मानगो मछली विक्रेता संघ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का गठन अधिकारियों के व्यवहार को लेकर किया गया। मछली विक्रेता संघ का आरोप है कि नोटिफाइड एरिया के अधिकारी बेवजह दुकानदारों को परेशान कर रहा है। दुकानदारों पर कोरोना काल से ही भाड़ा बकाया है। उधर प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभिलंब भाड़ा नहीं दे तो दूसरे लोगों को दुकान दे दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने इस फरमान के बाद अब दुकानदारों में हड़कंप मच गई है। दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ एक बैठक की और फरमान जारी किया कि अगर कोई भी अधिकारी इन दुकानदारों को परेशान करेगा तो वे उनके खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। क्या मामला है, पूरे डिटेल में बताइए। आज जमशेदपुर मछली विक्रेता यूनियन संघ का एक गठन हुआ, जो मानगो मछली विक्रेता यूनियन संघ का गठन हुआ। यह गठन नोटिफाइड एरिया के कुछ आला अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा इन लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा था, इसीलिए इसका गठन हुआ है। और यहाँ के जो विशेष पदाधिकारी के कुछ ऑफिसर हैं, वो आके एक एक दुकान अलाउड किए हैं। 20,000 रुपया करके एक दुकानदार को अलाउड किया, महीना जो है 800 रुपया करके बांधे हैं। और लॉकडाउन के कारण जो है इन लोगों विक्रेताओं ने दुकान नहीं लगाया, 2.5 साल से भाड़ा उन लोगों का बाकी है। अब एक ही बार में ऑफिसर आके इन लोग पर दबाव बना रहे हैं कि मतलब जल्दी दो, नहीं तो दूसरे के नाम से अलाउट कर देंगे, दूसरे के नाम से अलाउट कर देंगे हम। तो ये सब गलत है, इसको लेके हम लोग ना विशेष पदाधिकारी से मिलने का काम करेंगे और उनसे पूरा मामला को अवगत कराएंगे। और एक और मामला है, जैसे मछली विक्रेताओं का गाड़ी लगता है जो मानगो चौक के पास लगता है, तो जो यहाँ के पेट्रोलिंग करते हुए जो ऑफिसर है वो वहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं और कहते हैं कि 400-500 रुपये हमको दो, नहीं तो तुम्हें यहाँ गाड़ी। प्रशासन के द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है। अवैध वसूली ना कहा जाएगा, 500 रुपये मांगते हैं, ये गलत बात है। जो आदमी दिन भर में कमा के 10,000 पूंजी जो है लगा के दिन भर में 500 रुपये कमाते हैं लोग, अब 500 रुपये वही उनको दे देंगे तो इनका घर कौन चलाएगा। ये प्रशासन के लोग जो हैं, प्रशासन के जो लोग हैं इस तरह से करेंगे तो ये लोग बेचारा आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं ना इन लोगों को। ये कुछ कर लेगा तो फिर उन लोगों तो मतलब गलत है कि नहीं है। हमारे पास स्थानीय दुकानदार है, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या मामला है, पूरा डिटेल में बताइए। पूरा डिटेल में बता रहे सर, हम लोग का समस्या बहुत बड़ा है सर। सर ये है कि हम लोग का अचानक उस दिन कुछ ऑफिसर आया था नोटिफिकेशन, उसका बाद वो अचानक आके बोला कि हमको भाड़ा दो, भाड़ा मतलब 40,000 सर। तो सर 40,000 हम लोग अचानक हो गया कि 40,000 रुपया सर हम लोग को मिलेगा कहाँ से सर? तो बोल रहे नहीं, अगर तुम लोग पैसा देगा तो तुम लोग का नाम पे दुकान रहेगा, नहीं तो दूसरे के नाम पे हम लोग अलॉट कर देंगे। तो हम बताएं कि सर हम लोग का बात सुनिए, यहाँ तो 3 साल दुकान लगाया हुआ है, 1 साल तो खाली आदमी जानकारी के लिए है कि दुकान यहाँ लगता बोल के उसका